श्रद्धालुओं पर गोलीबारी, आतंकियों को पड़ेगी भारी, आतंकियों की कायराना करतूत। आतंकवाद के जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे कोई नहीं जाएगा। हर आदमी आतंकवाद से घबराएगा और घर बैठा रहेगा। अपनों को खोने का मातम मना रहे ये लोग जयपुर के हैं। जयपुर के कपड़ा कारोबारी परिवार सहित वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे, लेकिन आतंकी हमले का शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर की फिजा में कायम हो रही शांति में एक बार फिर हलचल मचाने की नापाक कोशिश आतंकियों ने की है। इस घटना से लोग गुस्से में हैं। बजरंग दल ने इस घटना के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंक प्रदर्शन किया। रियासी आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है। इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। सीमा पार से आतंक है ये पाकिस्तान हमेशा फैलाने की कोशिश करता है। बड़ी बार हमारी जंग भी हुई लेकिन उसमें वो तो कामयाब हो नहीं पाए, लेकिन चिंता का विषय है। रणनीति नई स्ट्रेटजी नई होगी ही तो निश्चय इसको मार गिराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा उन लोगों को। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। FSL की टीम मौके पर पहुंची, ड्रोन की मदद से तलाशी ली गई। इसके अलावा राज्य जांच एजेंसी यानी SIA की टीम ने मौका मुआयना किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस को घात लगाकर अपना निशाना बनाया। बस के ड्राइवर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। ताबड़तोड़ हमले के बाद तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी और 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने जम्मू के सरकारी अस्पताल में रियासी आतंकी हमले के घायलों से मुलाकात की। LG ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमारी प्राथमिकता घायल लोगों को बचाना है। हमने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस CRPF और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। अभी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दुख जताया है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। FSL की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर सैंपल इकट्ठा किया है। आतंकवाद के खिलाफ घाटी में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में दोषी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की जानकारी जो है, किस तरह की जो प्रगति इस जांच में अभी तक हासिल हुई है, क्या कुछ नई जानकारी इसमें मिल पाई है? हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है इस वारदात को हुए और अभी तक सुरक्षा बलों को अगर कहें तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। 20 से ज्यादा लोगों को शक के बिना पे डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है और पूरे इलाके में जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चाहे सेना की ओर से हो, CRPF की ओर से हो, चाहे फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से हो। हालांकि जो शिवखोड़ी की यात्रा है उसे आज सुबह ही सुचारू रूप से चलने की अनुमति दे दी गई थी। सुबह से ही सुचारू रूप से जो भक्तजन है भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और कल की घटना होने के बावजूद भी अगर बताएं तो 6,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। जी रमा, बिल्कुल। और जांच इसमें तेज कर दी गई है, सभी एजेंसियां जो हैं संयोजन के साथ काम कर रही हैं। उपराज्यपाल आज घायलों को देखने भी गए, किस तरह से जो स्थिति है वहां पर सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जितनी भी एजेंसियां हैं चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हो चाहे फिर जांच एजेंसियां हो उनमें कोऑर्डिनेशन है और आज हमने देखा कि बीती रात मतलब अंधेरा होने के बावजूद भी उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, पूरी जांच वहां पे हुई है और सैंपल्स जो है वो कल देर शाम को भी उठाए गए। आज सुबह हमने देखा कि 4:15 बजे यहाँ पे टीम्स पहुंच गई थी और उन्होंने पूरी सैंपलिंग की है। हालांकि अब थोड़ी देर पहले हमारी जो है DIG रियासी उधमपुर रेंज से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनके पास लीड्स हैं और उन्हें वो लीड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जंगल काफी घना है जो जी बोलिए हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, जो बता रहे थे कि तमाम एजेंसियां जो हैं